चलिए अपन डिस्कस करने वाले हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के कुछ कॉमन पॉइंट्स। सबसे पहली बात, यह चैप्टर एग्ज़ाम में लगभग 16 मार्क्स का आता है और आप केवल कॉमन पॉइंट भी यदि ठीक से सुन लेते हैं तो आप लगभग 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सर अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस के बारे में बात होगी, फिर इनकम, फिर वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी पर बात होगी। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिस मैनुअल से निकाले गए हैं, तो आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं और एग्जाम में पेपर जाने के पहले एक बार आप इन्हें देख कर जा सकते हैं, हो सकता है आपके लिए इनसे कुछ फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस की। तो इसमें सर कोई भी एक्सपेंस अपन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवलिंग एक्सपेंस ले लीजिए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो भी खर्चा हुआ है वो ड्यूली ऑथोराइज बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं है। मतलब जो भी खर्चा किया है वो किसी ना किसी से पूछ कर किया है, वो खर्चा ऑथोराइज है या नहीं है। सेकेंड है, जो भी खर्चा हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो मोड ऑफ पेमेंट रहा ही होगा, मतलब या तो खर्चा कैश में हुआ होगा या फिर खर्चा चेक में हुआ होगा। तो अगर जिस भी फॉर्म में वो हुआ होगा हमें उसका करिस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करना है, या तो कैश बुक में होगा या फिर बैंक बुक में होगा, वहां से हम चेक कर लेंगे। तीसरी बात है सर कि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ एग्रीमेंट भी करते हैं, तो सर एग्रीमेंट में लिखी होती है क्या टर्म्स और कंडीशन, तो हमें ये चेक करना है कि जो भी खर्चा है क्या वो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में यदि रेंट का खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या कमीशन सेल्स कमीशन वगैरह का कोई खर्चा है, तो इन सब में एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। अगला पॉइंट आता है सर कि अगर कोई कंपनी एक्ट का कोई सेक्शन लगता है तो आप उसका कंप्लायंस भी चेक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 196 और 197 मैनेजरियल रेमुनरेशन से डील करते हैं ये सेक्शन, 185 रिलेटेड पार्टी, 143 सबसेक्शन 1 में ये बताया है कि आपको अगर याद हो तो वो कुछ इंक्वायरी करने होते, कुछ 6 पॉइंट ऑडिटर ने इंक्वायर करने होते हैं, उसमें एक पॉइंट ये आता है कि कहीं पर्सनल एक्सपेंस डायरेक्टर्स लोगों ने कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं कर दिए, तो वो भी हमें चेक कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट ये होगा कि जो भी खर्चा हुआ है क्या उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करा गया है एज पर शेड्यूल 3। तो सर शेड्यूल 3 में पूरा एक फॉर्मेट बताया है और अलग अलग खर्चों को कैसे डिस्क्लोज करना है वो भी बताया है, तो हमें चेक करना है कि वो खर्चा उस तरीके से दिखाया है या फिर नहीं दिखाया है। इसके बाद आता है सर कि यदि खर्चे का पेमेंट पहले ही कर दिया गया, मतलब खर्चा प्रीपेड है, तो चेक करिए क्या उसे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे लिए असेट बन गया है। और यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो क्या उसे प्रॉपरली प्रोवाइड फॉर करा है, मतलब सर एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग होती है तो इसे प्रोवाइड फॉर करना चाहिए ना। ओके सर, फाइनली हम ये देखेंगे कि जो भी खर्चा हुआ है क्या वो क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड फाइनली हम देखेंगे सर कि क्या कोई खर्चा, बहुत सारे खर्चों के लिए कोई ना कोई AS होता है, तो वो खर्चा है वो AS के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, AS के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करा या नहीं करा। जैसे AS 10 असेट्स के लिए है, AS 15 एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के लिए है, AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस के लिए है, 11 आपका फॉरेन करेंसी के लिए, ऐसे करके अलग अलग AS हैं, तो जो भी AS लग रहा है आपको वो लगा देना है। एक बार रिवाइज करते हैं सर जल्दी से। सबसे पहला सारे खर्चे ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए, दूसरा उनका मोड ऑफ पेमेंट चेक करिए कैश से या चेक से, जहां से भी हुआ है उसकी करिस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करिए, तीसरा अगर कोई खर्चा ऐसा हुआ जिसमें अग्रीमेंट इन्वॉल्व है तो अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को कम्प्लाई करा है या नहीं करा है, कंपनी एक्ट का कोई सेक्शन यदि लग रहा है तो वो कम्प्लाई करा या नहीं करा है, शेड्यूल 3 के हिसाब से खर्चे को सेपरेटली डिस्क्लोज करा या नहीं करा, फिर अगर खर्चा प्रीपेड है तो उसे बैलेंस शीट में बराबर दिखाया कि नहीं दिखाया, यदि आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो उसे प्रॉपरली प्रोवाइड फॉर कराया नहीं करा, खर्चा क्लाइंट के बिजनेस से ही रिलेटेड है, एंड फाइनली यदि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है तो वो भी आप लगा दीजिए। चलिए सर आगे बात करते हैं और अब हम बात करेंगे वाउचिंग ऑफ इनकम के बारे में। इनकम पर सर बहुत कम क्वेश्चन आपके PM में दिए गए हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे और हर बार एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन इनकम से ही आते हैं, तो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इनकम वाली तो आधे पॉइंट या उससे ज्यादा सही कर ही पाएंगे।
देखिए सर, अपन वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले यदि इनकम हुआ है तो अपन ने मतलब एंटिटी ने कोई ना कोई रसीद काट कर दिया होगा सामने वाले को, तो उसका काउंटर फॉइल हमारे पास पड़ा होगा। तो सबसे पहले ऑडिटर ने क्या चेक करना है, काउंटर फॉइल ऑफ द रिसीट इशू टू दी गिवर। इसका मतलब सर, जो रिसीट इशू करते हैं उसका जो कार्बन कॉपी है वो काउंटर फॉइल होता है, हमें उसे चेक करना है वो कितने का है। दूसरा, बहुत सारे इनकम ऐसे होते हैं जिन पर TDS कटने के बाद हमें वो इनकम प्राप्त होती है, तो उसमें हमें ये चेक करना है कि जो इनकम हमें नेट ऑफ TDS मिली है, क्या उस इनकम को ग्रॉस अमाउंट पर दिखाया है और जो TDS काटा गया है उसे बैलेंस शीट में एडवांस टैक्स के रूप में दिखाया है या फिर नहीं दिखाया। तो सबसे पहले काउंटर फॉइल चेक करना है, और यदि इनकम नेट ऑफ TDS मिली है तो इनकम ग्रॉस दिखाना है और जो TDS उसको एडवांस टैक्स के रूप में आपको शो करना है। इसके बाद सर, यदि कोई एबनॉर्मल इनकम आउटस्टैंडिंग चल रही है, इसका मतलब सर यदि कुछ ऐसा लगता है जो इनकम लंबे समय से आउटस्टैंडिंग दिखाई जा रही है और अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो क्यों चल रही है, वो सच्ची में भी इनकम आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्या उसमें कुछ प्रोविजन बनना चाहिए, जो भी है। अगला पॉइंट है सर कि यदि इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में तो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट करना है। मतलब सर ऑब्वियसली एडवांस में कुछ पैसा मिला है तो उसको लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाना चाहिए, तो वो कराया है नहीं करा। एक और बात सर, बहुत सारी इनकम के केस में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे एक्सपेंस में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता था ऐसे इनकम में भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेंट या फिर रॉयल्टी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो इनकम प्राप्त हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के हिसाब से प्राप्त हुई है, लाइक जिस रेट से मिलनी थी उसी रेट से मिली है, जिस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए था उसी हिसाब से हुआ है, जिस डेट पर प्राप्त होनी चाहिए थी इनकम उसी डेट पर प्राप्त हो रही है, ये सारी बात है। कुल मिलाकर इनकम कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के हिसाब से प्राप्त हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एक और बात सर, जब इनकम प्राप्त होती थी तो बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट करना चाहिए, तो क्या जैसे ही इनकम मिला उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड फाइनली आपको चेक करना है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक कि कहीं कुछ लूपहोल तो नहीं है, और ये पॉइंट सर हमेशा हमेशा आएगा, हर इनकम में हम चेक करते कहीं कुछ इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक में कुछ कमी तो नहीं है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लूपहोल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये थे सर एक्सपेंस और इनकम के कुछ कॉमन पॉइंट। इसके अलावा सर मैं रिसीप्ट और ग्रांट पर सेपरेटली बात करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ग्रांट पर क्वेश्चन अलग से बनते रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, किसी भी अलग अलग तरीके से ग्रांट मिली है। तो ग्रांट के केस में हमें सर यही पॉइंट लिखने हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहला है सर कि आपको वो एप्लीकेशन चेक करना है जो जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी ने अप्लाई करा होगा कि हमें ग्रांट चाहिए है या सब्सिडी चाहिए है, तो हम वो एप्लीकेशन चेक करेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा सर, एक तो पर्पस पता चलेगा कि किस पर्पस से हमने ग्रांट मांगी है और किस स्कीम के अंतर्गत हमने ग्रांट या सब्सिडी के लिए अप्लाई करा है। क्योंकि सर जो भी ग्रांट या फिर सब्सिडी मिलता है वो सभी के लिए नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होती हैं कि किनको मिलना है या किनको नहीं मिलना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन चेक कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि एंटिटी ने किस पर्पस के लिए अप्लाई करा है और किस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करा है, गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीम आती रहती है। दूसरा सर, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ग्रांट को एग्जामिन कर लीजिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर ग्रांट आपको दी गई है, तो उन कंडीशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर चेक करिए क्या उन कंडीशन को पूरा किया गया है, जिन कंडीशन के आधार पर आपको ग्रांट मिली थी क्या उन कंडीशन को पूरा किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है जो असेट है वो किसी स्पेसिफिक असेट को खरीदने या फिर बनवाने के लिए मिली हो, तो उसी पर्पज के लिए यूज करा या नहीं करा। उसके बाद सर क्या देखेंगे सर, हम जो अमाउंट ऑफ रिसीप्ट है उसको चेक करेंगे, जिस डोनर ने जिसने भी पैसा दिया है उसके चेक करेंगे, ये सब चीजें हम वाउचर से चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा रिसीप कम दिखाया गया हो जबकि रिसीप्ट ज्यादा की हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फाइनली सर ग्रांट के लिए AS 12 बनाया हुआ है, AS 12 में बताया है कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है गवर्नमेंट ग्रांट की, तो वो चेक कर लीजिए कि उसके प्रिंसिपल AS 12 के प्रिंसिपल फॉलो किए हैं या फिर नहीं किए। इसके अलावा सर रेलिवेंट एंट्रीज, जो भी सब्सिडी या ग्रांट मिलता है उसके लिए जो एंट्रीज पास की जाती हैं
वो बराबर की है या नहीं की है, मतलब अकाउंटिंग बराबर की है या नहीं की है। इसके अलावा सर जैसे कभी कभी असेट मिलती है, सॉरी कभी कभी ग्रांट मिलती है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट हम ऐसा करते हैं कि या तो असेट की कॉस्ट कम कर दीजिए, असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए, या फिर आप उसे कैपिटल रिजर्व के रूप में दिखा दीजिए। और क्या करिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डेप्रिसिएशन के प्रपोर्शन में पीएनएल में क्रेडिट करते चले जाइए। तो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया, आप असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दीजिए सब्सिडी के अमाउंट को, ग्रांट के अमाउंट को, या फिर कैपिटल रिजर्व के रूप में दिखा दीजिए और डेप्रिसिएशन के प्रपोर्शन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्रेडिट करते जाइए। खैर हमको इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, वहां पर केवल इतना बताना है कि दो ट्रीटमेंट संभव है। तो ये था सर वाउचिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंस। एक बार आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है सर।